आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी। आजम खान की तरफ से ये कहा गया है। रामपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। लगातार बीजेपी में जा रहे एसपी नेताओं के बाद आजम खान ने लोगों को एसपी में शामिल कराया है। शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं में बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित कई ने सपा ज्वाइन की है। और इस दौरान आजम खान ने कहा कि रामपुर चुनाव एक अन्याय का इतिहास रचा जा रहा है। सभी साहिबान यहाँ शहीद हुए हैं। शहर से हमारे समाज के लोग शरीक हो रहे हैं, जिन्हें जमाना बड़ी हीन भावना से देखता रहा है, लेकिन कभी भी समाजवादियों ने इंसानों के बीच में दीवार खड़ी नहीं की है, आज भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू बहेंगी। पुलिस चुनाव को निष्पक्ष होने दे, बाधाएं उत्पन्न न करे हमारे रास्ते में, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम न करे, आजादी के साथ भयमुक्त माहौल में निष्पक्ष चुनाव होने दे। और अगर रामपुर पुलिस का एक ही टारगेट है कि समाजवादी को हराना है, तो हमें बताए कि तुम्हें नहीं जीतने देंगे। ये इलेक्शन है सबको आजादी। तो कुछ बीजेपी के नेताओं ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, जिसके बाद आजम खान की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया कि आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी। एसपी नेता आजम खान के बिगड़े बोल नजर आए, आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी। आपको बता दें कि रामपुर से एसपी की तरफ से आसिम रजा को एसपी कैंडिडेट बनाया गया है। रामपुर में भी जो उपचुनाव होना है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कई जो आजम खान के करीबी हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कई बीजेपी के नेता सपा में शामिल हो रहे हैं। सभी साहिबान यहाँ शहीद हुए हैं। शहर से हमारे समाज के लोग शहीद हो रहे हैं, जिन्हें जमाना बड़ी हीन भावना से देखता रहा है, लेकिन कभी भी समाजवादियों ने इंसानों के बीच में दीवार खड़ी नहीं की है, आज भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रामपुर चुनावों के बारे में एक ऐसा इतिहास रच रहा है, एक ऐसे अन्याय का इतिहास जिस पर आने वाली सदियां खून के आंसू बहेंगी। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर रामपुर से।